वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ मेंसुरेशन का शॉर्ट नोट्स का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने आपके साथ त्रिभुज का टाइप्स बताया था आपको कि त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए त्रिभुज को बांटा गया है तीन पार्ट में, जिसमें कि विषमबाहु त्रिभुज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है आज हम समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जाकर हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका क्वाड्रिलेटरल में जैसे समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, सम चतुर्भुज है, सबलम चतुर्भुज है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, एग्ज़ाम आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए जो है इस लेक्चर में हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास अगर एसएससी सीजीएल का जब हम पढ़ाना चालू करेंगे तो उसमें आपको हम मेंसुरेशन का कंप्लीट एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, विथ एग्जांपल्स भी देंगे उसमें। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो दूसरा जो त्रिभुज है, पहला हमने विषमबाहु किया था डिस्कस, अब जो है दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए इस ट्रायंगल में जैसा कि नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि सम द्वि मतलब दो भुजा, द्वि मतलब होता है दो, सम मतलब बराबर, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कि दो भुजा बराबर हो, बाहु मतलब भुजा होता है, इसमें दो भुजा बराबर हो, दो भुजा जो है बराबर होगा। एक त्रिभुज में तीन भुजा होती है, उसमें से कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए इस त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो भी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर इसी त्रिभुज में ये ए बी सी त्रिभुज है, इसमें से कोई भी दो भुजा बराबर सकता है, हो सकता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो भी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। पॉसिबिलिटी एक और है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो भी समद्विबाहु त्रिभुज वो कहलाएगा, यानी कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो। तो देखिए इसमें ए बी बी सी है, इसमें ए सी बी सी है, तो जो दो भुजा बराबर है, हम देखिए ए के सामने वाले को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसके सामने वाले को स्मॉल बी से, इसके सामने वाले को स्मॉल सी से। तो देखिए अगर इस जगह अगर ये दोनों बी सी और ए बी अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, बी सी बराबर ए बी बराबर ए ही लिख सकते हैं, यानी कि सी के जगह ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह का करेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, उसका एनालिसिस करेंगे पूरा अच्छे से और उसका जो इम्पॉर्टेंट जो बिट्स है उसको कवर करेंगे। तो ये ए बी सी एक त्रिभुज हमने बनाया और इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा हम बराबर कर रहे हैं और इसका नाम रख रहे हैं ए ए, दोनों भुजा बराबर है, और इस भुजा का नाम रखते हैं बी। ठीक है, ये बी वह भुजा है जो कि बराबर नहीं है, ये दोनों भुजा क्या है, इक्वल भुजा है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो एक जो है इस पे जो है शीर्षलंब डालते हैं, अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, एक शीर्षलंब डालते हैं, ये 90 डिग्री का एक शीर्षलंब हमने डाला। ठीक है, देखिए जब दो भुजा बराबर होता है तो इसके सामने वाला जो कोण होता है, जो जैसे देखिए इस ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, और इस ए सी के ए सी का सामने वाला कोण कौन सा है ये है। तो जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ए बी बराबर ए सी है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, अगर एंगल बी बराबर एंगल सी है तो ए बी बराबर ए सी भी पॉसिबल होगा। तो ये दोनों केसेस आते जाते रहते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना है, इस अल्टीट्यूड को एच मानते हैं तो इसका मुझे, चूंकि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो इसका क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ये निकालना है। तो क्षेत्रफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो एरिया बराबर क्या होगा, तो देखिए एरिया बराबर होगा इस केसेस में, आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं कि 1/4, ये बी देखिए कौन सा है, ये बी पर इंपॉर्टेंट है, ये बी पर फोकस करना इसलिए जरूरी है
ये बी जो है आपका अनइक्वल साइड है, इक्वल साइड नहीं है ये, इस बी को अनइक्वल साइड के रूप में माने हैं। तो कभी अगर जहाँ बी बी ये दोनों दे देता तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि इक्वल साइड को ले लीजिएगा, बी जो है ये आपका अनइक्वल साइड है। तो 1/4 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर, ये जो है इक्वल साइड वाला है, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कोई निकालने के लिए कहे तो 1/4 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसका परिमिति निकालने के लिए कहे कि इसका परिमिति क्या होगा, पेरीमीटर, परिमिति को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, पेरीमीटर लिखते हैं। अगर परिमिति निकालने के लिए कहे तो देखिए परिमिति क्या होगा, परिमिति होगा कि इन, परिमिति क्या होता है, बाउंड्री, जो ये बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ए प्लस बी, ये वाला यहां से यहां तक आए ए, फिर बी, फिर ए, तो ए प्लस बी प्लस ए, तो क्या होगा 2a प्लस बी जो है इसकी परिमिति होगी। तो ये परिमिति क्या होगा 2a प्लस बी। अगर जहां अर्ध परिमिति दिया हुआ हो तो क्या लिखते हैं उसको, सेमी परिमीटर दिया रहे तो सेमी परिमीटर इसका क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो यहां पर a प्लस बी प्लस ए बाय 2 होता है, तो s बराबर यहां क्या है a प्लस बी प्लस ए बाय 2, यानी कि 2a प्लस बी बाय 2 लिखते हैं ना इसको अर्ध परिमिति को। तो ये अर्ध परिमिति है, तो इसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ परिमिति में 2s भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और बचा हुआ है, देखिए आपको जो क्षेत्रफल इसका पता चल गया समद्विबाहु त्रिभुज का, आपको परिमाप पता चल गया, अब एक चीज बचा हुआ है कि इसका अल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट, शीर्षलंब जिसको कहते हैं, शीर्षलंब क्या होगा, शीर्षलंब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होगा। तो ये देखिए अल्टीट्यूड का लंबाई जो होगा वो क्या होता है कि 1/2 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये ए और बी में आपको अंतर समझना है, ए कौन सा भुजा है, ए जो है समान इक्वल साइड वाला भुजा है, बी कौन सा भुजा है, अनइक्वल साइड वाला भुजा है, मतलब जो इक्वल नहीं है। तो हाफ अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है शीर्षलंब का मतलब फॉर्मूलाज है। ये तीन फॉर्मूला आपको मेनली रूप से याद रखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जहाँ इसका दो भुजा इक्वल होता है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में इतना ही आप लोग जानिए, उसके बाद चलते हैं समबाहु त्रिभुज, थर्ड जो त्रिभुज है वह है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज में क्या क्या बात को ध्यान रखना है, देखिए नाम है समबाहु मतलब समान भुजा होगा, यानी कि सारा भुजा जो इसका होता है, सारे भुजा जो है इक्वल होते हैं, समान होते हैं इसमें। तो देखिए जैसे ये त्रिभुज है मेरा, और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, तो ए बी और सी, तो ये जो है इसको स्मॉल ए से नोट करते हैं, ये भी स्मॉल ए हो जाएगा और ये भी स्मॉल ए हो जाएगा। अब इस पर जो है एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक शीर्षलंब जिसको बोलते हैं, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये अल्टीट्यूड जो है ड्रॉ जब होगा तो ये दोनों पार्ट को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये देखिए अगर इसको डी लिखते हैं तो ये ए डी जो अल्टीट्यूड है इसको एस से डिनोट करते हैं, तो ये बी डी और देखिए बी डी बराबर सी डी हो जाएगा, चूंकि ये पूरा जो बी सी है ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वो ए बाय टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ए बाय टू लिखिए और इसको भी ए बाय टू लिखिए, तो दोनों क्या हो गया ए बाय टू हो गया। तो अब जो है इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, परिमाप कितना होगा, शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। फिर इसमें जो है हम लोग इन सेंटर को भी जान लेंगे, इन सेंटर से भी क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत पूछा जाता है। तो इसका इन सेंटर क्या होगा, इसका इन इन
रेडियस कह सकते हैं कि इन रेडियस पे ज्यादा रहता है, तो इन रेडियस जानेंगे, फिर जो है सरकम रेडियस का लंबाई जानेंगे। तो चलिए पहले एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा जो है सब इसका क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कि √3/4 गुना ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो ये जो है भुजा इसका ए है, इसलिए ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी से दिखाते हैं, परिमाप, परिमाप को पी से दिखाते हैं। पी बराबर क्या होता है 2s, s मतलब क्या है अर्ध परिमाप, तो आधा परिमाप है, तो 2 से गुना कर देंगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा। तो पी बराबर 2s बराबर क्या होगा, तो ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 3a। तीसरा चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट वो है शीर्षलंब, ये हाइट की, हाइट कितना होगा, तो शीर्षलंब होता है इसमें शीर्षलंब बोलिए या एल्टीट्यूड बोलिए, इसको एल्टीट्यूड भी बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको एच से डिनोट किए हुए हैं। तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर होगा √3/2a हो जाएगा, क्या होगा √3/2 × a, ये एल्टीट्यूड की लंबाई होगा, इस एच की लंबाई होगी, ठीक है। उसके बाद आता है इन रेडियस को बोलते हैं अंतः केंद्र बोलते हैं इन रेडियस को। तो इसका जो इन रेडियस होता है ये आप लोग डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए a/√3, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स अभी आपको हम दे रहे हैं, ऐसे हम थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है, इसका तीनों भुजा बराबर है, इन रेडियस क्या होता है कि जैसे ये एंगल है, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हुए, दो भाग में बोलते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बना, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सर्कल जो कहलाता है ये इन सर्कल कहलाता है, ये पॉइंट जो कहलाता है ये इन सेंटर कहलाता है, और ये जो लंबाई है ये इन रेडियस कहलाता है, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन रेडियस होता है, तो इसी इन रेडियस की बात किया जा रहा है, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इन रेडियस बराबर a/√3, ए क्या है, ए तो इसकी साइड है, तो a/√3 इन रेडियस होगा। फिर चलते हैं सर्कम रेडियस बराबर क्या होगा, तो सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में परित्रिज्या, और ये होता है a/√3 है, इसको जो है a/√3 केवल होता है, ये a/√3 इसको आधा करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है इन रेडियस। तो ये एक रिलेशन है समबाहु त्रिभुज में, एक रिलेशन हो गया, क्या रिलेशन हो गया कि ये जो r है, कैपिटल जो r है बराबर 2 × r है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्मॉल r को, तो आपको देखिए कैपिटल r मिल जाएगा। तो ये रिलेशन भी कभी कभी पूछा जाता है कि कैपिटल r बराबर 2r होता है, 2r, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ होता है। तो सर्कम रेडियस का कैसे होता है, इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि साइड को पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, फिर इधर से भी इधर ये दोनों साइड को ऐसे करके डिवाइड करके यहाँ से खींचते हैं, फिर इसको यहाँ से मिलाते हैं, इस तरह से मिला देते हैं तीनों साइड, फिर जाकर जो एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रेडियस होता है ये कैपिटल आर होता है, ये सर्कम सेंटर से लेकर जो ये रेडियस होता है ये कैपिटल आर होता है, और इसी कैपिटल आर की लंबाई जो है a/√3 होता है समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारे जो डाटा लिखा रहे हैं ये इक्विलेटरल, देखिए हेडिंग है ना मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट है कि इसका जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये सात, चूंकि देखिए सारे भुजा बराबर हैं तो इसलिए सारे कोण भी बराबर होंगे, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, इसलिए जो है क्या होगा एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस बराबर बराबर एंगल सी होगा, यानी सारे कोण भी बराबर हो गए। अब सारे कोण बराबर हो गए तो आप लोगों को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री, और सब बराबर है
तो 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, और ये 3 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 60 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर 60 डिग्री, तो एंगल बी बराबर भी 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि सब बराबर है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये रिजल्ट निकला कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे कोण जो है 60 डिग्री ही होते हैं, ये फिक्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का सारा जो कोण है, ये सारे कोण जो है 60 डिग्री के ही होते हैं। तो ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतना सारा डाटा को आपको याद रखना है, और अगर ये आपको याद है तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे इसमें अल्टीट्यूड में, और ये एरिया के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लग रहा है। देखिए इसमें क्या है, एरिया में √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ क्या है √3/2, तो इसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे √3/2 जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया से अगर √3/2 बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, √3/2 ए निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना, 1/2 इंटू ए बचेगा, ठीक है। √3/2 को बाहर कर दिए तो क्या बचा, तो 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3/4 होता है ए स्क्वायर, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि मुझे पता है कि √3/2 इंटू ए, ये तो मेरा एच है अभी लिखा है, एच बराबर √3/2 ए, तो इसको फार्मूला के रूप में आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग 1/2 ए एच भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे जो है कोई विशेष रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इस तरह से लिख सकते हैं भी हम लोग √3/4 ए स्क्वायर है, इसको हम लोग देखें तो एच स्क्वायर बाय √3 लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए सर्च करके कि एच स्क्वायर बाय √3 लिख सकते हैं क्या। अगर एच स्क्वायर लिखते हैं तो एच की जगह क्या है √3/2 ए, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/4 ए स्क्वायर, तो 3/4 ए स्क्वायर बन गया, √3 से डिवाइड कर दिए तो √3/4 ए स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाय √3 लिख सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन और मिला, उसको 7th नंबर पॉइंट बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। 7th नंबर पॉइंट क्या निकला, एरिया बराबर क्या हो गया कि h square by root 3। कभी कभी आपको क्या करेगा, एल्टीट्यूड सीधा दे देगा, आपसे एरिया पूछ लिया जाएगा, तो आपको जो है करने में, जैसे कि 5 सेंटीमीटर अगर एल्टीट्यूड दिया रहता या, तो आप लोग क्या करते 5 square by root 3 सीधा एरिया बता देते, यानी 25 by root 3। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको जो है एक आप एक व्यू रखिए, एक आइडिया रखिए कि किस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड एक रिजल्ट जो है आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो चलिए इस साइड में जो है एक रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। इधर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही रिलेटेड रिजल्ट है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर किसी पॉइंट, एक पॉइंट अंदर में है ओ, ठीक है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट ओ है, और इस ओ से जो है अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, और इस अल्टीट्यूड का लेंथ दिया हुआ है P1, P2 और P3। अगर ऐसा है, क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, इससे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है और इस अल्टीट्यूड का लेंथ दिया हुआ है P1, P2, P3, तो उस केसेस में हमें क्या करना है। तो उस केसेस में आपसे पूछा जाएगा कि साइड ए क्या होगा, ये जो ए साइड है, ए साइड अननोन रहेगा, मतलब ए आपको अननोन है, आपको P1, P2 और P3 ये जो है आपको नोन है, आपको दिया रहेगा, मतलब कहेगा कि अल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो पता है, P1 का लेंथ दिया रहेगा, P2 का दिया रहेगा, और P1, P2 और P3 ये तीनों का लेंथ आपको पता रहेगा, ये नोन है आपके पास क्वांटिटी। तो उस केसेस में आपसे ए पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, या फिर एरिया पूछ लिया जाएगा, तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको ए पता चल गया तो आप एरिया के लिए फार्मूला लगा सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ से तो अल्टीमेट एरिया पूछ लिया जाएगा आपसे। तो उस केसेस में आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए आप क्या कीजिए कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, P1 + P2 + P3, ये तीनों जो अल्टीट्यूड का लेंथ है इन तीनों को जोड़िए। अगर जोड़ते हैं इनको जो है बराबर करेंगे हम लोग किसके बराबर में, शीर्ष लंब की लंबाई के बराबर में, तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है √3/2 इंटू ए, तो यहाँ से जो है
इसका एक रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, आएगा ना। यहाँ से a बराबर लिख देंगे 2/√3 P1 + P2 + P3। तो ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लोग याद रख सकते हैं। अगर जहाँ शीर्ष लंब की लंबाई दिया रहे, कभी क्या कहेगा कि शीर्ष लंब के ये जो है किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जो है उसका सम जो है दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो शीर्ष लंब का सम दिया हुआ है तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा 2/√3 करके, आप जो है ए निकाल लिएगा, फिर इस ए को एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर में पुट करके आप जो है उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट हैं, इन सारे रिजल्ट को आपको याद रखना है। हालांकि कम समय था इसलिए हम जो है आपको एग्जाम्पल लेके डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं अभी, हालांकि अगर समय बचेगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे इस पे। इसलिए जो आप इसका एक रफ आइडिया रखिए अपने दिमाग में, एरिया क्या होता है, परिमीटर क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ठीक है। और अगर जहाँ शीर्ष लंब की लंबाई दिया रहे तो उस समय साइड कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक कंप्लीट नॉलेज रहना चाहिए। चलिए एक रिजल्ट और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर जहाँ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल रहे, यानी समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज रहे, तो उस केसेस का एक रिजल्ट आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये लगभग रखिए कि 90% चांसेस है कि अगर त्रिभुज से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें समकोण त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90% चांसेस है, ठीक है। इसलिए आपको हम बहुत डिटेल से डिस्कस किए समबाहु त्रिभुज को। चलिए एक रिजल्ट अभी डिस्कस करते हैं, पहले समद्विबाहु त्रिभुज में ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण जो है समद्विबाहु त्रिभुज का समकोण है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए एक कोण तो समकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमें पता है कि क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होते हैं, तो ये भुजा तो हम लोग जानते हैं कर्ण है, इसका 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, एच होता है, तो ये एच तो सबसे बड़ी भुजा है, ये तो बराबर किसी के साथ नहीं हो सकता है, बाकी ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, तो ये ए बी सी लिखते हैं, तो ए बी बराबर बी सी, ये जो है बराबर भुजा है, क्योंकि चूंकि ये लिखा हुआ है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इस केसेस में क्या होगा कि हम लोग ये रिजल्ट लिखे ए बी बराबर बी सी और एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो इसमें जो है हमें अगर फाइंड आउट करने के लिए कहे कि इसका जो है हाइट क्या होगा, ये हाइट एच है ना, ये हाइट, तो ये हाइट क्या होगा, हम लोग क्या मान लेते हैं पहले कि ये जो भुजा, जो दो भुजा बराबर है इसका जो लंबाई है ये ए मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगर दोनों ए है तो एच मुझे पता चल जाएगा, एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा a√2, ये हो जाएगा ना h a√2, कैसे होता है, तो हम लोग को पता है कि h स्क्वायर बराबर p² + b² होता है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कौन कहता है, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम ये बात को बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाए, तो h स्क्वायर तो मुझे नहीं पता है, p के जगह पता है कि a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ये जो b है तुम्हारा हमारा बेस है इसके जगह भी a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a², तो h स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो h बराबर √2a हो जाएगा। तो ये देखिए हाइपोटेनियस मुझे पता चल गया, यहाँ से हाइपोटेनियस निकालने के लिए कहेगा। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको एरिया पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं क्षेत्रफल की जगह, हाफ इंटू बेस तो ये है, तो बेस इंटू एरिया बराबर लिख रहे हैं इंटू हाइट लिख सकते हैं ये, तो क्या हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ ए स्क्वायर। इसका फिर परिमिति पूछा जाएगा कि इसका परिमाप क्या होगा, तो पी बराबर क्या होता है कि a + a + a√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं
इसमें से 2a प्लस ए रूट टू लिख सकते हैं, और यहाँ से a जो है कॉमन लेकर 2 प्लस रूट टू लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके इसका परिमाप भी निकाला जा सकता है। बस यही तीन रिजल्ट है इसमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उसके बाद चलते हैं आप चतुर्भुज डिस्कस कर, चतुर्भुज लिखते हैं, चतुर्भुज डिस्कस करते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा डिफिनेशन, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए एक कोई भी चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी रेंडमली चार भुजा से घिरा हुआ एक क्षेत्र बना देते हैं। तो ये देखिए एक चतुर्भुज हमने बना दिया, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, इन सब चीज़ों की लेंथ कितनी है ये नहीं पता, बस चार भुजाओं से ये घिरा हुआ, एक भुजा दो तीन चार, चार भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र अगर आप बना देते हैं तो वो चतुर्भुज कहलाएगा। इसको लिखते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए ये जो होता है लाइन, इसमें देखिए ये जो लाइन इसमें ए से सी को जो मिलाते हैं, ये जो लाइन है ये आपका डायगोनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण। ये जो ए सी है ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो ये चार कोण है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, अगर इन चारों को जोड़ लिया जाए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ये जो है चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा कि अगर जहाँ इसका मुझे एरिया कहे निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो डायगोनल है, एक डायगोनल ए सी से ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरा डायगोनल बी डी, ये जो बी से डी को भी मिलाइएगा तो एक डायगोनल वो भी ड्रॉ होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी एरिया का करेंगे डिस्कस, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये इसका हाइट जो है एच वन है, दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं बी से, इसका जो है हाइट है एच टू, तो डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसका हाइट है एच वन, और बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये एच टू। अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको हम बता देते हैं कि ये विकर्ण की लंबाई भी दिया रहेगा, और ये जो एच वन और एच टू है इसकी भी लंबाई यानी कि कह सकते हैं कि दिया हुआ रहेगा, या इस दोनों का योग दिया रहेगा। तो इस तरह का आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि एरिया, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए, जो भी विकर्ण दिया रहे, अगर ए सी दिया रहे या बी डी, बी से डी को मिलाइएगा तो ये भी एक विकर्ण बनेगा ना, तो यहाँ पर ए सी और बी डी दो विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल, ये डायगोनल है। तो देखिए एक कोई भी विकर्ण ले लेना है, और इस विकर्ण पर जो है, इस विकर्ण के सम्मुख पर जो शीर्ष पर डाला गया जो लंब है इनका योग, यानी कि कहने का मतलब एच वन प्लस एच टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ गुना ए सी गुना एच वन प्लस एच टू। तो इस तरह से करके जो है आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अगर इसका परिमाप निकालना हो तो हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर, परिमाप, तो पी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो है आपको ए बी सी डी ये लिख देते हैं, इसका लंबाई ए बी बी सी डी, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये आपका परिमाप हो जाएगा। तो देखिए चतुर्भुज में हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपके साथ समांतर चतुर्भुज डिस्कस करेंगे, जिसको कि पैरेललोग्राम बोलते हैं, आयत डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं उसको, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम बोलते हैं। इतना डिस्कस करेंगे तब जाकर जो है ये पांच जो है मुख्य रूप से पूछा जाता है चतुर्भुज में। तो उतना डिस्कस करने के बाद जाकर जो है चतुर्भुज खत्म हो जाए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके इसको जो है मेंसुरेशन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एमटीएस के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो है मेंसुरेशन को आप लोग तैयार अच्छे से कीजिए। आपको ये शॉर्ट नोट्स को अगर तैयार कर लेते हैं तो इनसे बाहर जो है इस बात की तो गारंटी है कि एमटीएस में पूछा नहीं जाएगा इससे बाहर। बाकी सीजीएल के लिए जो है हम अलग से फिर से लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें और अच्छे से डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।